फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगीज फैमिली उत्तराखंड। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा मैं डिज़ाइन लेकर आई हूँ। हार्डली 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ये इसके बैक साइड में ये 4 सिलाइयाँ इस तरीके से, जो बैक साइड है वो सारी सिलाइयाँ इसमें उल्टी ही आएंगी। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 4 के मल्टीप्लाई में इसमें स्टिचेस हमें लेने हैं और लास्ट में 2 स्टिचेस जो हैं हमें लेने हैं। मैंने इसमें 30 स्टिचेस लिए हैं। 28 स्टिचेस जो हैं वो मेरे पैटर्न के हैं और 2 स्टिचेस मैंने स्टिच लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो दिखाती हूँ मैं इसको कि इसकी किस तरीके से हमें फर्स्ट रो और थर्ड रो बनानी है, क्योंकि 2 सिलाइयाँ जो सेकेंड और फोर्थ हैं वो हमें उल्टी ही बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 30 स्टिचेस ले लिए हैं। तो देखिए किस तरीके से हमने इसको बनाना है। 4 सिलाइयों का बहुत ही इजी डिज़ाइन है। तो देखिए फर्स्ट रो किस तरीके से हमें लेनी है। इसमें जो पहला फंदा है हम इसमें स्टिच लेंगे इस तरीके से। पहला फंदा ये हमारा स्टिच का धागा आगे करेंगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब देखिए यहाँ पे हम जाली देंगे और इन 2 फंदों को इस तरीके से स्लिप करेंगे। 2 फंदे स्लिप करें और इन्हें हमने इस तरीके से बैक साइड से फिर से 2 का 1 इस तरीके से 2 का 1 करना है। फिर से धागे आगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से जाली देंगे, 2 फंदे जो ये हैं इनको स्लिप करेंगे और इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। फिर से धागा आगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2। जाली देंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे और इस तरीके से हम इसका 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फिर से धागा आगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे और ये स्टिच का फंदा इस तरीके से। ये हमारी फर्स्ट रो है। सेकंड रो जो है वो हमारी सारी उल्टी ही बनानी है। पूरी रो हमें उल्टी बनानी है, तो मैं उल्टी बना लेती हूँ, फिर थर्ड रो दिखाती हूँ। तो देखिए 2 रो जो है हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। रो किस तरीके से हमें बनानी है। पहला फंदा फिर से हमारा ये स्टिच का, 4 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3 4। अब देखिए पहले हमने यहाँ 2 सीधे फंदे ये वाले बनाए थे, अब हमें यहाँ पर इन 2 फंदों को इस तरीके से पलटना है और इन्हें 2 का 1 करेंगे। इनको 2 का 1 करने के बाद जाली देंगे और ये वाले फंदे जो हैं ये हम 2 सीधे बनाएंगे। देखिए फिर से धागा आगे 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, धागा पीछे, इन 2 फंदों को इस तरीके से हम पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे। यहाँ जाली और 2 फंदे सीधे। फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, इन 2 फंदों को हम इस तरीके से पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। जाली देंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे 4 फंदे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा ये स्टिच का इस तरीके से। चौथी सिलाई उल्टी है, मैं उल्टी की उल्टी बना लेती हूँ फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब यही 4 लाइनें जो है हमें रिपीट करनी है। मैं थोड़ा सा और डिज़ाइन बढ़ा करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिखाई देगा। मैंने यहाँ से थोड़ा सा और आगे बनाया है, तो बनने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। इसी ही यही 4 जो सिलाइयाँ हैं यही बार बार रिपीट होती चली जाएंगी और इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखना शुरू हो जाएगा। आई होप सो कि आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी आप कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
थैंक यू सो मच।